28 मई 2023 की सुबह लोग टीवी या मोबाइल स्क्रीन्स को एक टक देखते रह गए। नए संसद भवन के भव्य समारोह को अलग अलग माध्यम से देखकर हर कोई इस गौरवशाली क्षण का साक्षी बना। पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। इसके अलावा भारत की विरासत माने जा रहे सेंगोल को भी संसद भवन में खास स्थान दिया गया और स्थापित किया गया। बता दें कि 26 मई को नए संसद भवन के शानदार वीडियो को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कैप्शन में लिखा था, नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। इसी के साथ उन्होंने एक अनुरोध भी किया था। उन्होंने लोगों से इस वीडियो को वॉइस ओवर के साथ शेयर करने के लिए कहा था। पीएम ने लोगों को नए संसद भवन को लेकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा और ये भी कहा था कि वे उनमें से कुछ को ट्विटर पर रीट्वीट करेंगे। इसी के साथ उन्होंने #MyParliamentMyPride का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा था। इसी के बाद अनुपम खेर, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और रजनीकांत समेत कई फिल्मी हस्तियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नए संसद भवन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, जिन्हें पीएम ने अपने ट्विटर पर रीट्वीट भी किया। किसी ने अपने विचार व्यक्त किए तो किसी ने कविता लिखकर उसका वॉइस ओवर किया। ये भवन सिर्फ एक भवन नहीं, ये ठिकाना है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का। इन लाइंस के साथ शुरुआत कर अनुपम खेर ने कविता पोस्ट की, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि आपकी कविता में व्यक्त ये वो भावना है जो लोकतंत्र के मंदिर में जन जन की आस्था को और प्रगाढ़ कर रही है। अनुपम के अलावा कई बॉलीवुड सितारे आगे आए। शाहरुख खान ने भारत के नए संसद भवन को उम्मीदों का नया घर कहा। किंग खान ने बेहद खूबसूरती से अपने विचार व्यक्त किए। शाहरुख के बाद बात आती है अक्षय कुमार की। उन्होंने भी #MyParliamentMyPride का इस्तेमाल करते हुए नए संसद भवन का वीडियो पोस्ट किया और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। पीएम ने दोनों के ही पोस्ट को रीट्वीट कर दोनों के विचारों और वॉइस ओवर्स की तारीफ की। वहीं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिल शक्ति के पारंपरिक प्रतीक को नए संसद भवन में जगह मिलने पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तमिलियंस को प्राउड फील करवाने के लिए धन्यवाद कहा। फिल्मी हस्तियों के अलावा राजनीति से जुड़े लोगों ने भी वीडियो को अपने अपने तरीके से शेयर किया। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।